सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूँ। आपका एक बयान मैंने सुना, कल मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया, और कलाकार ईमानदार आदमी होता है तो ईमानदारी से बोलता भी है। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया। ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए, यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं नहीं पर अब आपकी राजनीतिक, मेरे को पूरा होने दो भाई, आप एक गलत गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। हाँ, ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। कहां दिया मैंने? वीडियो है भाई साहब मेरे पास। वीडियो दिखाई, अभी दिखाई, दिखाई दो, अभी दिखाई, लो जी चलवा दो भाई। अनर्गल तो बोलते नहीं भाई साहब, नहीं हमें देखना है। नेता कई बात भूल जाते हैं। गलत गलत गलत, जो भूल जाते हैं वही नेता बनते हैं। हमारी लड़ाई तो राज ठाकरे से रही है, शिवसेना से तो कोई लड़ाई नहीं। अपने माइक के पास रख लो। जब मैं लड़ने का डिसीजन ले लिया, यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का, और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो मनोज तिवारी से पूछ। हाँ, आप देखो,